राम राम सभी को। आज हम बात करेंगे अजय जडेजा के बारे में। शानदार बल्लेबाज और बेहतरीन फील्डर और प्यारी मुस्कान के मालिक अजय जडेजा। अजय जडेजा का जो पूरा नाम अजय दौलत सिंह जडेजा है। अजय जडेजा का जन्म 1 फरवरी 1971 में जामनगर गुजरात में आता। अजय जडेजा के पिताजी का नाम दौलत सिंह जडेजा और माताजी का नाम ज्ञानबजा जडेजा है। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा भारतीय विद्या भवन दिल्ली में पूरी की। अजय जडेजा को बचपन से जो क्रिकेट का शौक था और उसके परिवार में जो है क्रिकेट खून की तरह दौड़ता था। अजय जडेजा के पूर्वजों ने भी भारत में क्रिकेट खेलना शुरू किया था। यह वह दौर था जब भारत में जो है क्रिकेट से ज़्यादा हॉकी काफ़ी लोकप्रिय खेल था। उस समय लोग जो है हॉकी देखना और खेलना भी पसंद करते थे, पर उस वक्त के राजा रणजीत सिंह और राजा दिलीप सिंह जी ने पूरे भारत में क्रिकेट को पहुँचाया। और राजा रणजीत सिंह जी अजय जडेजा के पिताजी के दादा थे और वह पहले भारतीय हैं जिन्होंने विदेश में जाकर क्रिकेट खेला। राजा रणजीत सिंह के नाम पर जो है रणजी ट्रॉफी भी घरेलू टूर्नामेंट खेला जाता है। राजा दिलीप सिंह जी के नाम पर दिलीप ट्रॉफी खेली जाती है। इस रॉयल फैमिली से आने के कारण अजय जडेजा के नस नस में जो क्रिकेट मौजूद था। अजय जडेजा ने अपना पहला एक दिवसीय मैच 28 फरवरी 1992 में श्रीलंका के खिलाफ खेला था। शुरुआत धीमी करते हुए अजय जडेजा सेट होने के बाद उस वक्त के सबसे आक्रामक बल्लेबाजों में गिने जाते थे। फील्डिंग की बात करो तो दक्षिण अफ्रीकी फील्डर जोंटी रोड्स के बाद जो है जडेजा का नाम ही बेहतरीन फील्डर्स में आता है। अजय जडेजा ने अपने एक दिवसीय मैच में बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था। उसमें बारिश के कारण यह मैच नहीं हुआ। तब जो है एक दिवसीय मैच में डेब्यू अगले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए मैच में हुआ था। वहाँ जडेजा कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और केवल 1 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें भारतीय टीम के उस वक्त के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने ओपनिंग करने का मौका दिया और अगले मैच में श्रीकांत के साथ ओपनिंग करते हुए अजय जडेजा ने 46 रन की पारी खेली। ऐसे ही शानदार खेल खेलते रहे और उनको अपने पहले एक दिवसीय पुस्तक का इंतज़ार करते रहे। उनका इंतज़ार खत्म हुआ 1994 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बारामती स्टेडियम में। इस मुकाबले में अजय जडेजा ने सचिन तेंदुलकर के साथ 176 रन की पारी खेली। उस मैच में जडेजा ने 126 गेंदों में 4 चौके और 3 छक्कों की मदद से 109 रन बनाए और उनके जो है एक दिवसीय क्रिकेट के प्रदर्शन को देखते हुए अजय जडेजा को भारतीय टीम में जगह मिली, पर टेस्ट क्रिकेट में उन्हें ज़्यादा मौका नहीं मिला। वह टेस्ट क्रिकेट में अपना जादू नहीं चला पाए। अजय जडेजा ने अपने टेस्ट क्रिकेट में 15 टेस्ट खेले जिसमें से चार अर्धशतक और जो है मैच 516 रन बनाए थे। 96 उनका सर्वश्रेष्ठ था। वर्ल्ड कप 1996 में पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई उनकी शानदार पारी थी। 1996 के वर्ल्ड कप में अजय जडेजा ने जो पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 25 गेंदों में 45 रन की आक्रामक पारी खेली। उस वक्त के पाकिस्तान के खतरनाक तेज गेंदबाज वकार यूनिस के आखिरी दो ओवर में 44 रन निकाले थे और भारतीय टीम को 287 तक पहुंचा था। यह मैच भारत ने 39 रन से जीता और अपनी सेमीफाइनल में जगह पूरी की। अजय जडेजा जो है ODI करियर में 196 मैच खेले जिसमें से 6 शतक और 30 अर्धशतक 119 का सर्वश्रेष्ठ। निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो अजय जडेजा का जो है मशहूर अदाकारा माधुरी दीक्षित से जो है प्रेम था। अजय जडेजा शाही परिवार से ताल्लुकात रखते थे, इसलिए अजय जडेजा के परिवार वाले इस बात से नाराज थे और उन्होंने इस दौरान अजय जडेजा पर कुछ आपत्तिजनक आरोप लगाए जिससे दोनों में दूरियां बढ़ी की। इसके बाद जो है दीति जेटली उनके लाइफ में आई और दोनों को मंजूरी मिल गई। अदिति जेटली के साथ उनकी शादी भी
एक राजनीतिक परिवार से जो है ताल्लुकात रखती थी। अदिति पेशे से जो है बेली डांसर हैं। अजय जडेजा को अरमान और अमीरा नाम के दो बच्चे भी हैं। पसंदीदा क्रिकेटर कपिल देव, पसंदीदा खेल क्रिकेट, पसंदीदा एक्ट्रेस इनकी माधुरी दीक्षित, पसंदीदा एक्टर हैं अमिताभ बच्चन। क्रिकेट और फिल्मों का जो है पुराना नाता है। अजय जडेजा 2003 में खेल नामक फिल्म में काम कर चुके हैं, जिसमें सुनील शेट्टी, सलीना जेटली और सनी देओल साथी कलाकार थे। 2009 में पल पल दिल के पास में भी वो काम कर चुके हैं। पार्ट टाइम इन्होंने गेंदबाजी भी की थी, जिसमें जो 20 विकेट निकाले थे इन्होंने।